अभी सॉइल फर्टिलिटी में हमने पहले देखा था कि ग्रीन मैन्यूरिंग एक हमारी प्रणाली वो है, दूसरी प्रणाली हम बरबटी ये फसल, इसको काउपी बोलते हैं अंग्रेजी में, चौला फली भी बोलते हैं, तो ये चौला फली की फसल हम लोग सॉइल फर्टिलिटी के लेते हैं, साथ में ही हम लोग यहाँ पे 100% वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम करते हैं। ये मार्च महीने में हम लगा देते हैं, मई के लास्ट से इसके फल हमें मिलते हैं, तो जून 15 जून तक मिलते हैं। कम नमी वाली फसल है तो फिर ज़्यादा बारिश हुई तो ये अपने आप सूख जाती है, लेकिन इसका इतना बड़ा बायोमास तैयार हुआ है कि ये सॉइल एकदम फर्टाइल हो जाती है, तो इसकी उपज हमें प्रति एकड़ 25 क्विंटल इसकी प्रति एकड़ उपज मिली है, और 30 रुपये किलो से लेके तो 25 रुपये किलो तक के दाम मिले हैं। अगर 25 रुपये की भी दाम अगर काउंट किया जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे 60,000 के ऊपर प्रति एकड़ इस फसल का उपज लिया है, जिसमें बीज घर का, कोई पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया, पूरी तरह से नेचुरल लिया। नेचुरल क्योंकि हम इसको बहुत लास्ट स्टेज में इसके सब ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, ये अगले वर्ष हमें स्टार्टिंग से दिखेगा कि इसकी सोइंग कैसे, तो इतने कम पानी में इस फसल की हम पैदावार 3-4 महीने तक लगातार लेते हैं। अब ये फसल जहाँ ली, हम लोगों को दूसरी फसल लगाने की गड़बड़ नहीं रहती है, क्योंकि ये पूरी कंटूर फार्मिंग से की हुई है। कंटूर फार्मिंग से करने की वजह से इसके करीब 1-1 फीट ऊँचे बेड़ बने हुए हैं, वो बेड़ जीरो लेवल पे है, फिर उसमें नालियाँ बन गई, वो नालियों में अब सिर्फ पानी सहेजने का काम, क्योंकि हमें आमदनी तो हो गई, अब पानी भी चाहिए, तो आगे हम आने वाले वर्षों में हमें वो पानी मदद करेगा, तो हम फिर उसको पानी को रोकते हैं। तो क्या हुआ, दो लाभ हुए, एक तो इस फसल के बायोमास से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हुआ, दूसरा इस फसल के बायोमास से सॉइल फर्टिलिटी और ऑर्गेनिक कार्बन डेवलप हुआ, तीसरा यहाँ का पानी 100% 1 फीट गहरा होने की वजह से अभी तक 65 सेंटीमीटर बारिश हुई, 1 लीटर भी पानी इस प्लॉट के 2 एकड़ के प्लॉट में से कहीं भी 1 लीटर पानी बह के नहीं गया। तो हमें वो गड़बड़ नहीं है कि हमें तुरंत प्लॉट खाली करना है, हमें गड़बड़ ये है कि यहाँ का पूरा सितंबर तक पानी यहीं रुके रहे और वो पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट, क्योंकि उसके बाद में 8 महीने हमारे लिए फिर और भी खेती करने के लिए काफ़ी समय बचता है, तो वो पानी का उपयोग फिर जब ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है, हमारा कुआँ रिचार्ज होता है, और वो पानी का उपयोग फिर हमें 8 महीने के लिए लाभदायी होता है। उसमें से भी जितना इसमें ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट किया, उसका 8 महीने में ये तय करते हैं कि 50% पानी यूज़ करना है। अब यहाँ 4 महीने में कितना पानी सहजते हैं, 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, 1 सेंटीमीटर बारिश में मैंने कहा था कि 1 लाख लीटर उसका मेजरमेंट होता है 1 हेक्टेयर का, तो अब ये 1 हेक्टेयर में सपोज अगर मेरी चौला फली लगती है तो 80 लाख लीटर पानी, भी 20% उसमें माइनस करता हूँ मैं, तो 80 लाख लीटर पानी बचता है 100 सेंटीमीटर के मायने। 80 लाख लीटर पानी ये जब ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसका 40 लाख लीटर से मैं इरिगेशन कैसे करूँगा, ये सोच बनाए रखता हूँ कि वो 40 लाख लीटर में हमें 8 महीने की सिंचाई का सिस्टम बनाना है, तो उसके अनुरूप फिर हम लोग जैसे टमाटर लगाते हैं तो 6-6 फीट के दूरी पे एक एक नाली बनाते हैं, नाली के दोनों तरफ लगाते हैं, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर से भी कम इस्तेमाल करते हैं वो पानी का, यानी पानी बहुत डाला ज़मीन में, उसका 50% यूज़ तो क्या हुआ, 50% से ग्राउंड वाटर ये रिचार्ज हुआ। इस तरह से ये फसल से हम लोग वो पूरा काम करते हैं। हमने ये चौला फली बेड़ पे लगाई थी, मैंने आपको कहा कि अब जैसे हमने ये लाइन में चौला फली लगा दी तो इसको खाली रखा था हमने, यानी अब पानी सिर्फ इसमें से देना, लेकिन इसके दोनों तरफ लगाई थी हमने, जो अगले नेक्स्ट इसमें जब स्टार्टिंग होगी तब इसका क्लियर दिखेगा कि ये कैसे बुआई होती है इसकी। अब ये खाली रखा, इसको लगाया, तो अब ये बेड़ इसकी हाइट रखी थी 1 फीट, ये बेड़ है इसकी हाइट रखी थी 1 फीट, फिर ये बेड़ बन रहा है इसकी हाइट रखी थी, तो इस तरह से ये पूरे बेड़ बना दिए, भी नीचे इसमें ये यहाँ पे ये नालियाँ बना दी, तो ये नालियाँ अभी भी वो बेड़ नीचे होके करीब 8-9 इंच इसकी अभी ऊंचाई है, तो बारिश का आना, ये जीरो लेवल पे है, जीरो लेवल पे है तो बारिश का पानी आने वाला है, 8-9 इंच इसकी हाइट है, अगर इन ए डे 5 इंच भी बारिश होती है, माने कि 12.5 सेंटीमीटर अगर एक दिन में भी बारिश हो जाए तो यहाँ से पानी ओवरफ्लो नहीं होता, तो एक दिन में अगर 12.5 सेंटीमीटर तो एट ए टाइम 1 मिनट में तो नहीं आएगा, जैसे आएगा वैसे ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होते रहेगा, तो पूरे दिन का पानी ये कहीं बह के नहीं जाता, ये 100% पानी ये प्रणाली से रुकता है। तो ये सब बेड़ प्रणालियाँ अपनाने का लाभ ये हुआ कि फर्टाइल सॉइल में फसल लगी,
और बारिश में इसके पानी को ये नालियों में रोक के रखा। अभी हमने वहाँ पे पानी को रोका है तो ये कुएं से इसकी दूरी काफी बहुत नजदीक है ये। अब बहुत नजदीक है तो यहाँ पानी रोका हुआ वो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज होके ये कुएं को उसने रिचार्ज किया है। अभी कुएं का जलस्तर ये जमीन लेवल से ज्यादा 3 फीट नीचे बचा है इसका। यानी हम पानी रोकते हैं तो ये कुआं भी रिचार्ज हुआ, तो ये कुआं फिर 12 महीने तक हमें इससे पानी भरपूर पानी मिलता है और उसमें का फिर जितना पानी हमने संग्रह किया है उसका 50% हम ये कुएं के माध्यम से फिर इस्तेमाल करते हैं।